मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। अगर अब भी नहीं समझोगी तो बहुत पछताओगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है। अबीरा, मामा आप यहाँ? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि साद ने क्या कहा आपसे? साद वो अबीरा, आई बाई ना करें आप हमसे। हमें ये बताइए कि आपने साद को राजी किया है कि वो सरदार साहब से बात करे? मैंने साद से कहा, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या मतलब है आपका? साद ने कहा बाबा तो मानेंगे नहीं, इसलिए वो बात करके जाया नहीं करना चाहता। तो आपको चाहिए था कि ये अंगूठी उतार के मुंह में मार देती। नहीं मामा। क्यों? अब आप अपने बाबा के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने रायमा को नहीं छोड़ा तो आप साद से शादी नहीं करेंगी। आप समझ रही है ना बेटा, आप ये अंगूठी सरदार साहब को वापस करेंगी। बाबा। जी, ये हमारा हुक्म है। और आप जानती है ना बेटा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? मामा मैं ये कैसे करूंगी? मैं साथ को चाहने लगी हूँ, मुझे उससे जुदा मत करें प्लीज। आई लव हिम।